नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। यूपी पुलिस की कस्टडी में मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताजा मामला सीतापुर का है, जहां एक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है और महकमा मूक दर्शक बना हुआ है। युवक को बसपा नेता की हत्या में पुलिस ने उठाया था और इसके बाद उसकी मौत हो गई। सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस कस्टडी के दौरान ऐसा क्या करती है कि लोग दम तोड़ देते हैं? क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, आखिर किस डर से गई युवक की जान? क्या सच आएगा सामने या बच जाएगी यूपी पुलिस? क्या मिलेगा परिजनों को इंसाफ? यूपी पुलिस, ईश्वर से कामना कीजिए कि कभी आपको इसकी कस्टडी में ना आना पड़े। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूपी पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। ताजा मामला सीतापुर जिले का है। पिसावा में बसपा के सेक्टर अध्यक्ष की हत्या में नामजद शख्स की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजन पुलिस की पिटाई से मौत की बात कह रहे हैं। वहीं पुलिस का दावा है कि थाने ले जाते समय रास्ते में ही उसकी हालत बिगड़ गई थी और जिला अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। थाना पिसावा में एक जिनगवा गाँव है, वहाँ पे एक बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर प्रभारी थे राम रोटन जी, उनकी लाठी डंडे से मार के उनकी हत्या हो गई थी। पोस्टमार्टम होके डेड बॉडी गई थी। उनके पुत्र अखिलेश जो अर्नेस फैक्ट्री में काम करते हैं, वो थाने पे तहरीर लेकर के दिए थे, लिख के दिए थे कि उसमें हमारे ही गांव के करीब 6 लोगों ने मिलकर इनकी हत्या की है और उनमें एक राजू पुत्र हरदयाल का नाम भी था, जिसके लगभग 50 साल है। उनके मुकदमा लिखे जाने के पश्चात हमारे थाने के एसएसआई और चौकीदार सब लोग गाँव में गए जिगनिया में, जो मुलजिम थे उन्हें बुलाने के लिए कि थाने में इंट्रोगेशन हो जाए उनसे, एक्चुअली क्या मामला, पूरा जानकारी उनकी हो जाए। और इसी बीच में ये राजू पुत्र हरदयाल गांव पे घर पे अपने मिले, इनको थाने गाड़ी उठा के इनको ले ला रहे थे वो, और गांव से निकलते ही इन्होंने बताया कि मुझे उल्टी और खांसी की शिकायत हो रही है, मेरे पेट में बहुत दर्द सीने में हो रहा है। तत्काल इनको ले करके CHC पे गए और CHC पे डॉक्टर ने उनको एडमिट किया और बताया कि इनको कार्डियक अरेस्ट हो गया है। इनको तत्काल रेफर किया जिला अस्पताल के लिए, तो SSI और उनकी टीम थाने पर ना के सीधे वहीं से जा करके इनको रेफर करा लिया और चले गए जिला अस्पताल एम्बुलेंस के जरिए। अभी मैं भी आपके साथ अस्पताल में आया हूँ। डॉक्टर्स ने कहा कि चूंकि उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी और उसकी रास्ते में मौत हो गई है, उसकी बॉडी मोर्चरी में रखी गई है, परिजन को हम लोगों ने सूचना दे दिया है। अभी नहीं हुई, मैं थाने पर ही जा रहा हूँ, चूंकि जानकारी मुझे जस्ट अभी ही मिली है, और जो विहित प्रक्रिया है मानवाधिकार आयोग की, वो सारी प्रक्रिया हम लोग पूरी करेंगे। इसके पूरे जो है पोस्टमार्टम डॉक्टरों का पैनल करेगा, वीडियोग्राफी इसमें होगी और भी जो भी गाइडलाइंस है माननीय आयोग की, वो सारी हम लोग पूरी करेंगे। इसमें सवाल ये उठता है कि पुलिस ने आखिर कौन सा ऐसा भयंकर सवाल कर लिया था जो उसकी सांसें फूल गईं और उसने दम तोड़ दिया। पुलिस तो आसानी से यह दावा कर देती है कि रास्ते में मौत हुई, लेकिन उस मां का क्या जिसने अपने सपूत को सीने से लगा कर पाला था? पुलिस की लापरवाही एक मां पर भारी पड़ गई है। यूपी पुलिस का आरोपों से पुराना चोली दामन का नाता रहा है, चाहे वो इनकाउंटर हो या फिर मारपीट। इस बार मामला सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र का है, गांव का है, जहां पर एक बसपा नेता की हत्या हो जाती है और उसमें 6 आरोपियों को नामजद किया जाता है। उसके बाद से पुलिस एक आरोपी है राजू, जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल थी, उसे हिरासत में लेकर जाती है और रास्ते में उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने के कारण पुलिस उसे अस्पताल का रुख करती है। अस्पताल का रुख करने के बाद जिला अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। तो वहीं राजू के परिजनों का साफ साफ कहना है कि पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई। तो वहीं पुलिस साफ साफ इस बात से इनकार कर रही है कि अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कस्टडी में मौत कैसे हो सकती है जब हिरासत में राजू को ले जाया गया था। तो वहीं देखने वाली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि साफ साफ डॉक्टर और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम अब पूरी तरह से वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और हर एक तथ्य को प्रमाण बना के ये साबित किया जाएगा कि राजू की मौत पुलिस कस्टडी में न हुई, बल्कि उसकी मौत बीमारी की वजह से या फिर कहिए सीने में अचानक से दर्द होने की वजह से हुई है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि एक तरफ यूपी पुलिस पर लगातार कभी ना कभी आरोप लगते रहते हैं, तो वहीं यूपी पुलिस अपनी बेगुनाही का सबूत किस तरह से प्रमाण करती है। जिला अस्पताल के डॉक्टर राहिल का कहना है कि पुलिस राजू नामक के युवक को अस्पताल लेकर आई थी, उसकी अस्पताल आने से पहले ही मौत हो गई थी। डॉक्टर ने शरीर पर चोटों सहित अन्य सवालों के जवाबों के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का हवाला दिया है।
हमारे पास जो जानकारी है हमारे पास इस समय एक राजू सन ऑफ जवाहर उम्र लगभग 45 साल और जिगनिया पिसावा सीतापुर के रहने वाले थे। इनको संताराम चौकीदार रेफर करके लाए थे और ये मृत अवस्था में लाए गए। प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है, मौत का कारण क्या हुआ? प्रथम दृष्टि से तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, इनकी बॉडी को मैंने सील करा दिया है, मौत की जाएगी पोस्टमार्टम होगा उसके बाद ही पता चलेगा। और कहा जा रहा है कि उसके पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इससे सच सामने आएगा? क्या एक माँ को इंसाफ मिल पाएगा? क्या एक माँ का खोया बच्चा वापस आ पाएगा? और क्या इस घटना के जिम्मेदारों को सजा मिल पाएगी? ये कुछ सवाल हैं जो भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।